बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8, ये न्यू बुक है क्लास 8 की। आज से हम इस न्यू बुक से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है ये जितने भी फ्रैक्शंस गिवन हैं उनमें से कौन से टर्मिनेटिंग हैं और कौन से रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। अब यहाँ पे राइट है ए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे हम रीड आउट करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स। अब यहाँ पे राइट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें फिनाइट नंबर्स होते हैं डिजिट्स के। डेसिमल पार्ट्स के महदूद डिजिट्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.4, पॉइंट के बाद ये जो 4 है ये डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स राइट होते हैं उनको कहते हैं डेसिमल पार्ट्स। तो 4 को हम काउंट कर सकते हैं, ये फिनाइट में है, महदूद है। अब यहाँ पे राइट है 3.14। अब यहाँ पे डेसिमल पार्ट्स में राइट है 14, यानी कि ये नंबर हम काउंट कर सकते हैं, ये महदूद नंबर हैं। 0.375, ये महदूद नंबर हैं, फिनाइट नंबर्स हैं डेसिमल पार्ट्स में। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स को देखते हुए कि जितने भी फिनाइट नंबर्स होते हैं डिजिट्स के डेसिमल पार्ट्स में उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। All terminating decimal numbers can also be written in fraction. जितने भी terminating decimal numbers होते हैं उनको fraction में write किया जा सकता है। For example, जैसे कि अभी हमने ये जो read out किया 0.4 को हम write कर सकते हैं fraction में 2/5 में। 3.14 को हम fraction में write कर सकते हैं इस तरह से 157/50। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे राइट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे राइट है द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट, यानी कि डेसिमल नंबर्स जिनमें वन डिजिट्स आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफिनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे राइट है कि डेसिमल नंबर्स में अगर एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हों बार बार इनफिनाइट टाइम्स यानी कि लामहदूद वक़्त में, जिनको काउंट नहीं कर सकते, जिनकी तादाद अनलिमिटेड होती है इन इट्स डेसिमल पार्ट्स, डेसिमल पार्ट्स में आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, तो वो कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन, इनको भी हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन अगर हम इसको डेसिमल में राइट करें, 2/9 को डेसिमल में राइट करते हैं तो यहाँ पे है 0.22222। अब यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे राइट है वन डिजिट, ठीक है 2 वन डिजिट है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन ये क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें 4/11 0.3636। अब यहाँ पे ग्रुप है 36 एक ग्रुप है, 36 सेकेंड ग्रुप है, 36 थर्ड ग्रुप है, तो यहाँ पे राइट है ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन। अगर तो ग्रुप्स जो हैं वो डिजिट्स के रिपीट हो रहे हों अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे देखें 36 36 36 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन ये क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे देखें 0.434343 यहाँ पे भी ग्रुप है डिजिट्स का जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स बीन ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में अगर इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 17.33333, तो इट्स मीन ये 3 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये होगा रिकरिंग डेसिमल नंबर। 22/7 इसको अगर हम यहाँ पे डेसिमल में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें 3.14285714285 अब यहाँ पे सेम एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स तो रिपीट नहीं हो रहे लेकिन यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे इनफिनाइट के लिए डॉट शो किए गए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में इनफिनाइट के लिए डॉट शो किए जाएंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट ना हो रहे हों, डिफरेंट नंबर्स हों डेसिमल पार्ट्स में, तो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। और यहाँ पे अगर हम ये वाले जो एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग की। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पे एग्जाम्पल दी गई है ये नॉन टर्मिनेटिंग की है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पार्ट्स में जितने भी ये डिजिट्स हैं ये डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन ये इनफिनाइट टाइम्स हैं यानी कि लामहदूद हैं, अनकाउंटेबल हैं। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की इन एग्जाम्पल्स को माइंड में रखते हुए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे अभी हमने टर्मिनेटिंग की एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन को रीड आउट किया, उन डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए इन फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी फ्रैक्शंस गिवन है इनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। पार्ट नंबर 1, 4 डिवाइड बाय 6, 4 को डिवाइड करेंगे 6 पे। अब यहाँ पे 4 स्मॉलर वैल्यू है, 6 ग्रेटर वैल्यू है, 4 को हम 6 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 राइट करेंगे, पॉइंट लेंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। 6 6 का 36 माइनस करेंगे, अब यहाँ पे कैरी देंगे 0 को, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4। अब यहाँ पे राइट है पॉइंट, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे 6 का टेबल रीड आउट करेंगे, 6 6 का 36 माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 10, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4। 4 स्मॉलर वैल्यू है, 6 ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे 6 का टेबल रीड आउट करेंगे, 6 6 का यहाँ पे राइट करेंगे 6 6 6 का 36 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4। अब यहाँ पे आपने डेसिमल पार्ट्स में 3 डिजिट्स तक या 4 डिजिट्स तक इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं इसको 3 डिजिट्स तक सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पे रिमाइंडर में 4 4 एंड 4 ही आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे 6 का डिजिट रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे डॉट शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 रिमाइंडर है, यहाँ पे राइट करेंगे 0.666। अब यहाँ पे इनफिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। अभी हमने डेफिनेशन रीड आउट की, एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हों इनफिनाइट टाइम्स तो वो कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे देखें, इस डेफिनेशन में द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफिनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें 0.666, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स मीन ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, यहाँ पे ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। पार्ट नंबर 2, 11 बाय 12, अब यहाँ पे 11 को डिवाइड करेंगे 12 पे। अब यहाँ पे देखें 11 स्मॉलर वैल्यू है, 12 ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट से पहले 0 राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 12 का टेबल रीड आउट करेंगे, 12 9 द 108 माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे कैरी देंगे 0 को, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2। अब यहाँ पे ये 2 स्मॉलर वैल्यू है, 12 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे, 12 का टेबल रीड आउट करेंगे, 12 1 द 12 माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, कैरी देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 10, 10 में से 2 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 8। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे, 12 का टेबल रीड आउट करेंगे, 12 6 का 72
माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे कैरी देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 8। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। 12 6 72 माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज 8। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में आपने 3 या 4 डिजिट्स तक इसको सोल्व करना है, यहाँ पे रिमाइंडर है 8। तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं क्योंकि यहाँ पे 9 1 6 6 डेसिमल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये इनफिनाइट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे डॉट शो करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0.9166, ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है? अगर पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में जितने भी डिजिट्स हैं वो इनफिनाइट नंबर्स में हों लेकिन रिपीट ना हो रहे हों तो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स, सेम डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हों तो वो कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और ये हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। पार्ट नंबर 3 1/3। अब यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 3 पे। अब यहाँ पे देखें 1 स्मॉलर वैल्यू है, 3 ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू नहीं है। पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। यहाँ पे 3 का टेबल रीड आउट करेंगे, 3 3 9। माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 1। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे, यहाँ पे टेबल को रीड आउट करेंगे 3 3 9। माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 1। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे, 3 का टेबल रीड आउट करेंगे 3 3 9। माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 1। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट तक सोल्व किया और यहाँ पे रिमाइंडर है 1। इट्स मीन यहाँ पे ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, ये जितने भी डेसिमल पार्ट्स हैं ये बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। इनफिनाइट नंबर्स के लिए यहाँ पे डॉट शो करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 0.333, इनफिनाइट के लिए यहाँ पे डॉट शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स मीन ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रिकरिंग पार्ट नंबर 4 2/5। अब यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 2 स्मॉलर वैल्यू है, 5 ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट से पहले 0 राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 5 का टेबल रीड आउट करेंगे, 5 4 20। माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। अब यहाँ पे देखें 0.4 यानी कि ये फिनाइट डिजिट है। अब यहाँ पे राइट करेंगे 0.4। पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में अगर फिनाइट नंबर्स हों जो काउंटेबल भी हो रहे हों, महदूद हों, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे राइट करेंगे टर्मिनेटिंग पार्ट नंबर 5 8/11। अब यहाँ पे सबसे पहले 8 को डिवाइड करेंगे 11 पे, 8 स्मॉलर वैल्यू है, 11 ग्रेटर वैल्यू है। सबसे पहले पॉइंट राइट करेंगे, यहाँ पे 0 राइट करेंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। 11 का टेबल रीड आउट करेंगे, 80 के करीब करीब छोटा होना चाहिए। 11 7 77। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, कैरी देंगे 0 को तो ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 3। 3 स्मॉलर वैल्यू है, 11 ग्रेटर वैल्यू है। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे 11 का टेबल रीड आउट करेंगे, 11 2 20। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, कैरी देंगे 0 को तो ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 2 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 8। अब यहाँ पे 8 स्मॉलर वैल्यू है, 11 ग्रेटर वैल्यू है। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। 11 का टेबल रीड आउट करेंगे, 11 7 77। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, कैरी देंगे 0 को तो ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 3। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। 11 का टेबल रीड आउट करेंगे,
11 टू द 22। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, अब यहाँ पे जीरो को कैरी देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखें 8 रिमाइंडर है। 72 ये एक ग्रुप है डिजिट्स का जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर है 8। तो ये इन्फिनाइट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इट्स मीन ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 0.7272 इन्फिनाइट डिजिट्स के लिए डॉट शो किए जाते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 0.7272 इन्फिनाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 72 एंड 72 बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये हैं रिकरिंग। यहाँ पे राइट करेंगे रिकरिंग। ये बात स्टूडेंट्स ने माइंड में रखनी है कि अगर एक नंबर या ग्रुप ऑफ डिजिट्स या एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रहे हों तो उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये रिकरिंग हैं। पार्ट नंबर 6, 5/12। 5 को डिवाइड करेंगे 12 पे, 5 स्मॉलर वैल्यू है, 12 ग्रेटर वैल्यू है। सबसे पहले पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट से पहले ज़ीरो राइट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट की वजह से ज़ीरो राइट करेंगे। 12 का टेबल रीड आउट करेंगे, 12 फोर द 48। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, ज़ीरो को कैरी देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2। अब यहाँ पे 2 स्मॉलर वैल्यू है, 12 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट की वजह से ज़ीरो राइट करेंगे। 12 का टेबल रीड आउट करेंगे, 12 वन द 12। माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू, ज़ीरो को कैरी देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 2 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 8। 8 स्मॉलर वैल्यू है, 12 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे ज़ीरो राइट करेंगे। 12 का टेबल रीड आउट करेंगे, 12 सिक्स द 72। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 8। 8 स्मॉलर वैल्यू है, 12 ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे, पॉइंट की वजह से ज़ीरो। 12 का टेबल रीड आउट करेंगे, 12 सिक्स द 72। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 8। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में 4 डिजिट तक सॉल्व किया है, यहाँ पर रिमाइंडर है 8। इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में 4166 इनफिनाइट डिजिट्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स हैं, लामहदूद नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे नंबर है 8, ये रिमाइंडर है। यहाँ पे राइट करेंगे 0.4166 इनफिनाइट नंबर के लिए डॉट शो करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखें डेसिमल पार्ट्स में 4166 ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर है 8। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात स्टूडेंट्स ने माइंड में रखनी है, अगर एक डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हों तो उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अगर हमारे डेसिमल पार्ट्स में यानी कि पॉइंट के बाद 4166 ये नंबर सेम नहीं है, सेम एक ही नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन इनफिनाइट नंबर्स हैं, तो ये कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, 5/7। यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, 5 को डिवाइड करेंगे 7 पे, 5 स्मॉलर वैल्यू है, 7 ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। 7 का टेबल रीड आउट करेंगे, 7 7 द 49। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, 0 को कैरी देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1। 1 स्मॉलर वैल्यू है, 7 ग्रेटर वैल्यू है। अब यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 7 का टेबल रीड आउट करेंगे, 7 वन द 7। माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 3। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे, 7 का टेबल रीड आउट करेंगे, 7 फोर द 28। माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे कैरी देंगे 0 को, यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 8 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। आपने पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में 4 डिजिट्स तक या 3 डिजिट्स तक आपने सॉल्व करना है। 7 का टेबल रीड आउट करेंगे, 7 टू द 14। माइनस करेंगे, 20 में से 14 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 6। अब यहाँ पे रिमाइंडर 6 है, अब यहाँ पे रिमाइंडर है 6। अब ये
इनफिनाइट नंबर्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 0.7142। अब यहाँ पे ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स के लिए डॉट शो करेंगे। पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में 7142 है, यहाँ पे रिमाइंडर 6 है। अगर तो रिमाइंडर 0 होता तो टर्मिनेटिंग है, अब यहाँ पे रिमाइंडर 6 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा, ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे राइट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 8, 6 / 10, अब यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे 10 पे, एक स्मॉलर वैल्यू है 10 ग्रेटर वैल्यू है। सबसे पहले पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट से पहले 0 राइट करेंगे, अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट की वजह से 0। 10 का टेबल रीड आउट करेंगे, 10 6 60, माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू को, रिमेनिंग वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखें रिमाइंडर 0 है, पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स में हमारे पास जो नंबर है वो 6 है, यानी कि ये काउंटेबल हैं, फिनाइट में हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.6, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अभी हमने डेफिनेशन रीड आउट की थी कि जहाँ पे हमारे पास फिनाइट नंबर हो, महदूद नंबर्स हों, वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग, तो वो नंबर्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में रिमाइंडर 0 होता है। पार्ट नंबर 9, 16/20, 16 को डिवाइड करेंगे 20 पे, 16 स्मॉलर वैल्यू है, 20 ग्रेटर वैल्यू है। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट से पहले 0, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। 20 का टेबल रीड आउट करेंगे, 28/160, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यूज 0। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में फिनाइट नंबर है, महदूद नंबर है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 0.8, वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकें, जिनका रिमाइंडर 0 हो, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 10, 9/10, 9 को डिवाइड करेंगे 10 पे, 9 स्मॉलर वैल्यू है, 10 ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। 10 का टेबल रीड आउट करेंगे, 10 9 90, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 0। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद काउंटेबल नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि फिनाइट नंबर्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 0.9, रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पे यह है टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 11, 1/8, 1 को डिवाइड करेंगे 8 पे, 1 स्मॉलर वैल्यू है, 8 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट से पहले 0 राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0 पॉइंट की वजह से। 8 का टेबल रीड आउट करेंगे, 8 1 द 8, माइनस करेंगे 10 में से 8 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 2। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे, क्योंकि 2 स्मॉलर वैल्यू है, 8 ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 8 का टेबल रीड आउट करेंगे, 8 2 द 16, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 को कैरी देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 4। 4 स्मॉलर वैल्यू है, 8 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। 8 का टेबल रीड आउट करेंगे यहाँ पे, 8 5 द 40, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में यहाँ पे नंबर है 1 2 5, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये फिनाइट नंबर्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 0.125। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, जहाँ पर भी रिमाइंडर 0 हो और फिनाइट नंबर्स हों डेसिमल पार्ट्स में, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.125, टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 12, 14/20, 14 को डिवाइड करेंगे 20 पे, 14 स्मॉलर वैल्यू है, 20 ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0, यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे। 20 का टेबल रीड आउट करेंगे, 27/140, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.7, इट इज टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 13, 2/3,
टू को डिवाइड करेंगे थ्री पे, टू स्मॉलर वैल्यू है थ्री ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे ज़ीरो, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे ज़ीरो, थ्री का टेबल रीड आउट करेंगे, थ्री सिक्स द 18, माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ टू, ज़ीरो को कैरी देंगे ये वैल्यू बन जाएगी 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज़ टू। अब यहाँ पे पॉइंट की वजह से ज़ीरो राइट करेंगे क्योंकि टू स्मॉलर वैल्यू है थ्री ग्रेटर वैल्यू है, थ्री का टेबल रीड आउट करेंगे थ्री सिक्स द 18, माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ टू, पॉइंट की वजह से यहाँ पे ज़ीरो राइट करेंगे, थ्री का टेबल रीड आउट करेंगे यहाँ पे थ्री सिक्स द 18, माइनस करेंगे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ टू। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में आपने थ्री डिजिट्स तक या फोर डिजिट्स तक आपने सोल्व करना है। यहाँ पे वन डिजिट सिक्स बार बार रिपीट हो रहा है, ये इनफिनाइट डिजिट्स हैं, उसके लिए डॉट शो करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.666, ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटर टू है, तो यहाँ पर ये है रिकरिंग। ये बात आपने माइंड में रखनी है, अगर एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हों तो वो कहलाते हैं रिकरिंग। पार्ट नंबर 14, 4/5, 4 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 4 स्मॉलर वैल्यू है 5 ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे ज़ीरो, और यहाँ पे पॉइंट की वजह से राइट करेंगे ज़ीरो, 5 का टेबल रीड आउट करेंगे 5 8 40, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो है, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.8, तो यहाँ पे ये है टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 15, 1/4, 1 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 1 स्मॉलर वैल्यू है 4 ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे ज़ीरो, और यहाँ पे राइट करेंगे ज़ीरो, 4 का टेबल रीड आउट करेंगे 4 2 8, माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2। अब यहाँ पे 2 स्मॉलर वैल्यू है 4 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 4 5 20, यहाँ पे राइट करेंगे 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर है 0, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.25। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में फिनाइट नंबर है, महदूद नंबर हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, रिमाइंडर ज़ीरो है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 16, 7/9, 7 को डिवाइड करेंगे 9 पे, 7 स्मॉलर वैल्यू है 9 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट से पहले 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे राइट करेंगे 0, 9 का टेबल रीड आउट करेंगे 9 7 60 3, 0 को कैरी देंगे ये वैल्यू बन जाएगी 10, 10 में से 3 को माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज़ 7, 7 स्मॉलर वैल्यू है 9 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 राइट करेंगे, 9 7 60 3, यहाँ पे माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 7, 7 स्मॉलर वैल्यू है 9 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 9 का टेबल रीड आउट करेंगे 9 7 60 3, माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 7। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में 7 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ये इनफिनाइट डिजिट्स हैं, यहाँ पर राइट करेंगे 0.777, ये इन्फिनाइट डिजिट्स हैं, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स बीन ये रिकरिंग है। पार्ट नंबर 17, 8/10, 8 को डिवाइड करेंगे 10 पे, 8 स्मॉलर वैल्यू है 10 ग्रेटर वैल्यू है, पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट से पहले 0 राइट करेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 10 का टेबल रीड आउट करेंगे 10 8 80, माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 0। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में फिनाइट नंबर हैं, महदूद नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.8, और यहाँ पे ये है टर्मिनेटिंग।
पार्ट नंबर 18, 3/5, 3 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 3 स्मॉलर वैल्यू है, 5 ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। 5/6 था 30, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यूज 0, रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट्स में फिनाइट नंबर्स हैं, महदूद नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 0.6 और यहाँ पे ये है टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व कर दिए। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको डेली बेस पे मिलती रहें।